हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक लोग में। और आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं किसकी, ताराहुल ब्लॉग की। तो आपने थंबनेल देखकर पहचान लिया होगा कि आज की बात करने वाली हूँ वीडियो में तारा की। तो जैसे कि आपको पता है कि 14 अगस्त का तारा के बेटे का यानी कि ध्रुव का बर्थडे है, तो तारा के उसके लिए आया है इनविटेशन कार्ड। तो अब कौन कौन जा रहा है तारा के बर्थडे में, तारा के बेटे के बर्थडे में? जैसे कि आपको पता है कि अब 14 अगस्त को तारा के बेटे का बर्थडे है। तारा का बेटा 1 ईयर का कंप्लीट हो गया है। अब देखो आप, राहुल भैया कब गए थे जब तारा का बेटा 1 मंथ का भी शायद नहीं हो गया था, शायद 1 मंथ का या 1 मंथ का होने वाला था। और अब देखो पूरे 11 महीने हो गए हैं राहुल को अपने बेटे से मिले हुए, अपने घर आए हुए। बहुत सारे फौजी हैं जिनको छुट्टियाँ मिल जाती हैं, लेकिन शायद राहुल भैया का ट्रांसफ़र कहीं ऐसी जगह पर है जहाँ पर उनको, जहाँ से उनको छुट्टी मिलनी शायद मुश्किल हो रही है। लेकिन भगवान से प्रे करूँगी कि प्लीज़ ध्रुव के बर्थडे पर राहुल भैया को छुट्टी मिल जाए, क्योंकि बहुत उनके लिए भी ना, मतलब ध्रुव के लिए भी बहुत अच्छा सरप्राइज होगा ये गिफ्ट होगा कि उसके पापा उसको बर्थडे पर मिलेंगे। और राहुल भैया भी बेशक दूर रहते हैं, बेशक फ़ोन पर बातें होती हैं, वीडियो देख लेते हैं, लेकिन जो घर परिवार के साथ रहने में होता है ना, वो बाहर नहीं होता। लेकिन फिर भी यार बहुत हिम्मत वाली है तारा कि 11 महीने हो गए राहुल भैया को, उसके बावजूद भी उसने अपने घर को, परिवार को, सबको बहुत अच्छे से संभाला हुआ है। बहुत ही ब्रेव गर्ल है वो। उसने हर बीच में बहुत सारी मुश्किलें आई, मतलब कि राहुल के भैया के जो पापा हैं उनका ऑपरेशन हुआ, दादी का ऑपरेशन हुआ, बहुत सारी दिक्कतें आई है ना। परिवार है, घर गृहस्थी है, उसमें कुछ ऊंच नीच चलता रहता है, लेकिन तारा ने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। तारा ने राहुल वाला फ़र्ज भी निभाया और अपना फ़र्ज तो वो निभाती है, उसने बहू वाला फ़र्ज भी निभाया और बेटे वाला फ़र्ज भी निभाया। उसकी कोशिश यही रहती है कि हर किसी को खुश रखना, और उसी में वो खुश रहती है। तो इसलिए तारा को एक ब्रेव गर्ल का टैग मिला हुआ है कि वो बहुत ज़्यादा ब्रेव गर्ल है। बोलने को तारा को बहुत कुछ लोग, बहुत सारे की लोग बहुत सब कुछ बोलते हैं, पर वो ऐसी नहीं है। वो एक बहुत ब्रेव और टैलेंटेड गर्ल है। और अब 1 साल होने वाला है, तो कैसे 1 साल निकल गया इस बात का पता ही नहीं चला। तब कैसे ध्रुव छोटा सा था और इतना बड़ा हो गया, पता ही नहीं चलता है। बच्चे कब छोटे से बड़े हो जाते हैं इस चीज़ का पता ही चलता है। बच्चा देखते देखते एकदम से इतना बड़ा हो जाता है। और तारा ने इनविटेशन कार्ड भेजा है, लेकिन तारा के बेटे के बर्थडे में शायद हम लोग नहीं जा पाएंगे, क्योंकि एक तो काफ़ी दूर है, ऊपर से बरसात के मौसम में उत्तराखंड जाना मतलब बहुत रिस्की काम करना, ठीक है। लेकिन तारा के बेटे के साथ हमारी ब्लेसिंग यहीं पर रहेंगी, और हम यहाँ से ही तारा के बेटे को बहुत सारा प्यार देंगे और उसको बहुत सारी ब्लेसिंग देंगे। भगवान उस ध्रुव को बहुत लंबी उम्र दे, हमेशा वो स्वस्थ रहे और लाइफ में बहुत ज़्यादा उन्नति करे, अपने माँ बाप का नाम हमेशा रोशन करे, और भगवान उसको बहुत लंबी उम्र दे, हमेशा वो स्वस्थ रहे, मस्त रहे। क्योंकि तारा के बेटे के बर्थडे में जाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत दूर है, ठीक है। और तारा के साथ मेरे कैसे रिलेशन है, वो लोगों ने बहुत कहते हैं, लोग बहुत भड़काने की कोशिश करते हैं, कभी इसके खिलाफ़, कभी उसके खिलाफ़, कभी रेखा का फ़ोटो जोड़ देंगे, कभी तारा का फ़ोटो जोड़ देंगे, लेकिन इनको ये पता ही नहीं कि मेरे इनसे रिलेशन कैसे हैं, ठीक है। मुझे एक बात कहता है, राहुल भैया ने एक बात बोली थी कि देखो दीदी, कोई कुछ भी कहता रहे, ठीक है, हम अगर हमें कुछ कहना होगा ना तो हम अपने आप बोल सकते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है किसी से बुलवाने की, उसने ये बोला, उसने ये बोला, सब लोग व्यूज़ के लिए करते हैं। तो अगर आपको किसी भी चीज़ से लगता है कि ये हमने कहा है, तो आप पहले उससे एक बार हमसे कंफर्म कर लेना, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है कि हम किसी को बोलें कि तुम्हें ऐसा बोलना है, तुम्हें वो करना है, और हम खुद बात कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही मेरे साथ इंस्टा पर हैं वो। तो अगर कोई दिक्कत होती है तो मैं उनसे डायरेक्ट बात कर लेते हैं, किसी के बीच में आने की ज़रूरत ही नहीं है। और बाकी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनके साथ मेरे बहुत अच्छे रिलेशन हैं, वो मैं आपको शायद एक मैंने एक वीडियो बनाई थी पर मैंने अपलोड नहीं किया है। तो अगर कभी ऐसा लगा अपलोड करना है तो मैं उसको अपलोड भी जल्दी ही कर दूँगी। और कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग एक बार बोलते हैं, किसी के कुछ भी कहने से ना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। हम किसी को एक आपने देखा ना, एक ब्रांड होता है, ब्रांड
लोग उसका विज्ञापन करते हैं कि इसको अपनी दुकान की बाहर लगा लेंगे या अपनी किसी भी चीज़ के बाहर या इसको लगाएंगे तो ज़्यादा लोग आएंगे, आकर्षक होंगे। तो अगर लोग हमारे फ़ोटो लगा रहे हैं तो समझो हम वो ब्रांड है कि जिसके बिना उन लोगों का काम या बिजनेस जो भी वो चला रहे हैं वो नहीं चलता है। ठीक है, जब तक हमारा नहीं लगाएंगे उनका बिजनेस नहीं चलेगा, तो वो एक ब्रांड है हम। ठीक है, तो आपको टेंशन लीजिए जो होती है, जो भी कुछ बोलता है ना कोई बोलने, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जो जैसा है वो वैसा ही बोलता है, वो उसी लैंग्वेज का यूज करता है। तो फिर से बोलूँगी, तारा के बेटे को बहुत बहुत सारा प्यार, भगवान आपको बहुत खुश रखे और लाइफ में बहुत ज़्यादा तरक्की दे। और अगर आप में से कोई लोग जा रहे हैं तारा के यहाँ पर तो ज़रूर बताना कमेंट करके, जो लोग तारा ने इन्वाइट किया है और तारा के बेटे की बर्थडे पार्टी में अगर कोई जा रहा है आप लोगों में से भी, तो ज़रूर कमेंट करके बताना कौन कौन जा रहा है। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो का यहीं पर एंड, और फिर मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखें। उस दिन छोड़ो, मैं आपको कुछ बोलना चाह रही थी, पर इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। मुझे सिर्फ छोटा सा यही बताना था कि तारा के बेटे के बर्थडे में शायद मैं नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि बहुत दूर भी है और बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, यूनिट सेकंड चलने वाला है उनका। यहाँ पर पीए होता है, कहीं पर यूनिट होता है, और बरसात के मौसम में उत्तराखंड जाना मतलब बहुत ज़्यादा रिस्की कदम उठाना। तो हम अपनी ब्लेसिंग यहीं से ध्रुव को दे देंगे।